संतरे आपने पहले ब्लॉग में भी देखा होगा, यहाँ के संतरे तो फेमस हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। तो पहुँच चुके हैं हम खेत में, ये ऐसे डालते हैं गोबर, ये देखिए खींचना। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, मैं हूँ आशा फरसवान उत्तराखंड चमोली के शोलडूंगरी गांव से। तो स्वागत है आप सभी का हमारे इन शोल घाटी के खूबसूरत पहाड़ों में और शोलडूंगरी में। कैसे हो आप लोग, उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 9 बजे से और हम जा रहे हैं आज गोबर डालने। आज से गोबर गेहूँ में डालना शुरू हो गया, आज है किरणवारी का पलटा और अब मैं करती हूँ सोल्टा तैयार। तो मैं कर रही हूँ सोल्टे को तैयार और इस पे लगा रही हूँ रस्सी, रस्सी जिसको कि हम बोलते हैं काखा, और ये कट्टा भी सिल दूँगी मैं इस पे, तो इससे गोबर जो है कि कपड़ों पे नहीं लगेगा और कट्टा को बार बार संभालना नहीं पड़ेगा, अटका रहेगा सोल्टे पे। तो ये भी लगभग हो चुका है तैयार, अब जाएंगे हम गोबर डालने। मेरा सोल्टा जो कि तैयार हो चुका है और अब जा रहे हैं हम किरण बारी के घर में, घर में नहीं यहीं पे है उनका मोह का थपूड़, मोह बोलते हैं गोबर को, तो मोह थपूड़ी हम कहूँ ना। तो अब हम मोह डालन किरण बुरे खेनी बाकी पलटे आने से। तो ये देखो किरण बुरी करे मोह खेनोन शुरू, अब मोह भी बहुत बढ़िया बनाई घाम लगने मुँह पे, तेज धूप आई। ये चाहो घास देखो तुम कदी छक्क घास भी नो इतनी घा के आज तक या खे आनी आज अद मांगा पन बिच खूम और सिंदार बिच तो कति किसान बुर जी तब डूंगेर को ने तो खेनी हुई जी हाँ ओ जी बड़े जा तो डूंगेर जाके डूंगेर खिपेल के तू तो। रिया और मंजू भाभी भी आ गए और कुछ पलटे और रह गए बाकी, तो ये ऐसे भर रहे हैं छोटे को भी आ गई। हेलो मैं हूँ कमला भाभी। हाँ ये है कमला भाभी, इनका नाम है कमला भाभी और जो उनके पीछे से है वो मंजू भाभी है। ये किरण बारी को तो जानते ही होंगे आप। ये है रिया, तू कम दिखी ना ब्लॉग में, ये रिया से हो सा लेट जन का कभी तो टाइम पे नहीं खेल हम का दिखा खा हम। तो हम अब जा रहे हैं गोबर लेके कुन्नू जो कि सबसे नीचे वाला खेत है, तो वहाँ पे हम गोबर लेके जा रहे हैं अभी। तो पहुँच चुके हैं हम खेत में, ये ऐसे डालते हैं गोबर, ये देखिए खींचना खींचना बोलते हैं इसको, ऐसे खिचोड़ खिचोड़ भी शुरू करे और हम करें शुरुआत कुन्नू खेत में किरण बरी ये बात जो सिंदार डाल दिया हमने, इसमें 3 सोल्टे और चाहिए, अब हम सिंदारा जा रहे हैं। ये है सिंदारा जाने का रास्ता यहाँ से उधर को, और यहाँ से नीचे लगता है कमीर जहाँ हम कुछ दिन पहले घास काट रहे थे। ये है सिंदारा, पहुँच गए हम यहाँ, देखो ये छोटे से पौधे पे कितने सारे संतरे लग रखे, ये देखो पीले हो गए संतरे। आपने पहले ब्लॉग में भी देखा होगा यहाँ के संतरे तो फेमस हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं, पूरा संतरे के पेड़ है। ये है ये चाची जी का घर, इस तरफ को संतरे हैं और यहाँ पे लौकी लगे हुए हैं, बहुत ज़्यादा लगे हुए इस पेड़ पे, ये संतरे के पेड़ में जा रखा है ये बेल। इनका घर है, कुछ दिन बाद यहाँ पे शादी है भरत के छोटे भाई की, ये देखो इनके कितने सारे संतरे हैं। गोबर और ताई जी खोद रही है और हमने सोटे भरने हैं, देखो कितना बड़ा ढेर है गोबर का, और ये गाय बंधे हुए हैं यहाँ पे। तो इस खेत से शुरुआत हो चुकी है सिंदारे के गोबर डालने की। देखा यो ले लो, ये पहाड़ी बांध के लिए है जो देहरादून में रहते हैं वो। उनका नहीं आया चांद तो भूखी रह गई कल पहाड़ी बांध। ये कहाँ जा रहा है, इसमें ढमाड़ रहा है वो, तो लीजिए लीजिए।
ऐसे नहीं होता पहाड़। ये लीजिए थोड़ा से वो क्या है, ये है ये काजू किशमिश जिन्होंने कल बरत ले रखा था देहरादून वाले पहाड़ी बांधों के लिए है, ये शहरी पहाड़ी बांधों के लिए ना, हमारे पहाड़ों ने बहुत देख रखा शहर वालों के लिए है। वही तो जो खाली बोलते कि हम भी पहाड़ी बांधे ये उनके लिए है। ये देखो सारे अब संतरे खा रहे हैं। तो तेज धूप हो रखी है तो अभी खा रहे हैं सब लोग बैठ के संतरे। लास्ट वाला चक्कर है हमारा छिंदारे का, उसके बाद जाना है हमने घर। और ये भाभी खा रही अखरोट। अब दिखाती हूँ मैं यहाँ पे आप लोगों को लौकी कितनी सारी लगी है इन लोगों के। ये देखो ये लौकी कितनी बड़ी हो रखी है। तो ये बड़ा सा बेल हो रखा है ये लौकी का। ये चाची लोगों का है यहाँ पे, इनका घर है ये छिंदारे में। और बाकी छोटे छोटे लग रहे हैं, ये देखो बहुत सारे लग रखे हैं। ये देखो तो अब चाची जी बना के ले आई चाय, अब हम लोग पियेंगे चाय। तो चाय में है ब्लैक टी, बोले तो लाल पानी वाला चाय है, क्योंकि इनके गाय भैंस नहीं है तो इसलिए दूध नहीं डाल रखा। तो हम ये चाय पियेंगे अब। तो 12 बज चुके हैं, अब जा रहे हैं हम घर को। और हमने डाल दिए 5 खेत गोबर डाल दिए हमने 12 बजे तक छिंदारे में और कुन्नू में। और अब जा रहे हैं हम घर, अब वहाँ डालने हैं चोपतापन, चोपता डालना है अब। ताई जी आ गई चाय लेके और छोटी सी गुन्नू को भी साथ लेके आई है। और सुनीता दीदी बांट रही है अब चाय। अब हम लोग चाय पियेंगे तो उसके बाद 2 चक्कर और लेके जाएंगे, तब तक 2 बज जाएगी। तो उसके बाद हमारा पलटा जो आज का होगा वो पूरा हो जाएगा, क्योंकि 2 बजे तक का हम लोगों ने पलटा कर रखा है। तो यहाँ पे ये कुरकुरे बिस्किट और टॉफ़ी पता नहीं क्या क्या ले रखे हैं। पीने के बाद हम लोगों ने ये खेत डाला। तो ये हमारा गांव इस साइड को है, ये देखिए। तो इस साइड को ही खेत है, यहाँ से ऊपर ब्रह्मपुरी है ऊपर को। देखा ये लास्ट हुआ है घोच, हमें खेत मसोरा है पर हम पूर हुए 2 बजे तक हो। अब किरण बोया डेल ले जाती बच्चे से थोड़ा थोड़ा के मोह डेल कहीं गया हूँ। हाथ हाथ दिखाओ रे अपू, ब्याई मेहंदी लगी आज गोबर लगी मोह लगी क्या भलो हो। अरे हम घर को नहीं भाग गया था। बाय बाय ओ भाभी जी बाय। ये देखो ये किरण बारी का लड़का है काना, छोटा सा कानू, ये ब्याह रखा था हमारे साथ। ये है किरण बारी, सबको पता है वो तो। अब घर जा चुके हैं, घर आ चुके हैं, मतलब ये जा रहे हैं अपने घर में, पहुंच चुकी हूँ अपने घर में। मेरा घर तो यहीं पे है। तो अब खाना खाते हैं और उसके बाद देखते हैं क्या क्या होता है। ये 3 हो चुके हैं और हम लोगों ने खाना भी खा लिया और धूप भी यहाँ से नीचे जा चुकी है। ये देखो खेतों में पहुंच चुके हैं, मतलब घर के आसपास अब धूप नहीं रह गई है। तो थोड़ी देर यहाँ पे धूप सेका मैंने। माँ बैलों के साथ जा चुकी है और मैं अब सिलाई करूँगी। कटिंग मैंने कल की करके रखी हुई है और अब मैं सिलाई करूँगी। मेरी शूट पूरी और 5:30 का टाइम हो रहा है अभी, 5:30 भी नहीं हुआ और धूप भी डूबने को आ गई, मतलब धार के पार नहीं गई अभी। अभी इसी साइड को है, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। भी जाने वाली है डाने पार, ये देख सकते हो आप लोग, धूप हल्की सी रह गई है। और ये किरण बुआरी अभी भी गोबर डाल रही है, इसका तो काम तब से वही है जब से हमने पलटा छोड़ा, ये तब से लगी पड़ी है गोबर डालने में जो बचा हुआ था, ये पूरा निपटा रही है शायद आज। ये रही सूट और
ये है इसके साथ का सलवार, इसका कपड़ा थोड़ा छोटा था तो ये सूट का जो कपड़ा बचा बेल्ट में मैंने इसको लगा रखा है, तो ये सूट का मैचिंग हो जाता है, ये देखिए मैचिंग हो जाता है। तो ये सलवार है, ऐसा टाइम बचा है, अंधेरा नहीं हो रखा, तो मैं एक सूट काट के फिर रख दूँगी, तो जब टाइम मिलेगा तब सिल लूँगी। तो मैं आज का ब्लॉग करती हूँ अभी यहीं पे समाप्त, मिलते हैं कल नई सुबह नए दिन और नए ब्लॉग के साथ। आप लोग खुश रहिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और ब्लॉग्स को देखते रहे, और ब्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।